माँ की ममता। इस सृष्टि में सबसे प्यारा कोई नाम है तो वो माँ है। जीव जब भगवान की गोद छोड़कर संसार में आता है तो अपने आप को माँ की गोद में पाता है और वह माँ को भगवान का स्वरूप समझता है। इसीलिए किसी कवि ने खूब लिखा है, उसको नहीं देखा हमने कभी और उसकी जरूरत क्या होगी। ए माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। माँ ही वास्तव में बच्चे की प्रथम गुरु है, जो बच्चे को संसारिक शिक्षा देती है, शिष्टाचार लोकाचार सिखाती है। माँ अपना समस्त ममता बच्चे पर लुटाती है और उसे अच्छे संस्कार देकर चरित्रवान सिलवान बनाती है। माँ की ममता की उपमा किसी से भी नहीं की जा सकती, न किसी व्यक्ति से, न पदार्थ से और न किसी देवी देवता से। उसकी ममता का आंचल धरती और आकाश के विस्तार से भी अधिक होता है। माँ की ममता सूरज के प्रकाश की भांति है, जो बच्चे को सब मार्ग दिखाती है। उसमें प्यार की गर्मी तो है, परंतु सूरज जैसी सुलझाने वाली आग नहीं। माँ के आंचल की छाया चांद की शीतलता के समान है, चंद्रमा में तो फिर भी कलंक है, परंतु माँ की ममता तो अलंक से पूरे परे है, क्योंकि उसकी ममता निस्वार्थ भावना से ओतप्रोत होती है। जब बच्चा बीमार होता है, वह सारी रात जागकर बच्चे की तीमारदारी करती है, खुद गीले में सोती है पर बच्चे को सूखे में सुलाएगी, तभी तो उसे धरती जैसा सहनशील कहा गया है। जब कोई त्यौहार होता है तो सबकी छुट्टी होती है, पर माँ की नहीं होती, बल्कि उस दिन उससे ज्यादा काम होता है। एक माँ की नजर में उसका बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा होता है और उसके लिए वो सारी दुनिया से लड़ जाती है। भीतरी बात, गहरी बात, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, पर माँ सबकी जगह ले सकती है। सो दोस्तों, ये कहानी पसंद आई तो प्लीज माँ के नाम से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए जय माँ, जय माँ।